हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपका एनडीए एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। जो पेपर था वो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आया है, ठीक है। सो आज पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, मैथ्स किस लेवल की थी, जीएटी किस लेवल की थी, और क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, और ओवरऑल कट ऑफ क्या रहनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आंसर की कहाँ से मिलानी चाहिए, कैसे मिलानी चाहिए, ठीक है, और क्या आगे के स्टेप्स रहने चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू ए रिजल्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो पेपर जैसा एक्सपेक्ट किया था जनरली वैसा ही आ रखा है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था। जो मैथ्स का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में आ रखा है, ठीक है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ना ज़्यादा मतलब मॉडरेट था, बट डिफिकल्टी लेवल कुछ क्वेश्चंस की ज़्यादा थी। डिफिकल्ट नहीं कह सकते बट कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे और टाइम कंज्यूमिंग थे, इसकी वजह से जो पेपर था वो ओवरऑल मॉडरेट और हार्ड के बीच में आ रहा था, ठीक है। जैसा यूजुअली पेपर आता है एनडीए मैथ्स का वैसा ही जनरली पेपर था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि ज़्यादा ही हार्ड पेपर है, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। मॉडरेट टू हाई लेवल के पेपर था और आराम से अगर आप 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जा सकते थे अगर आप टाइम मैनेज कर पाए तो, ठीक है। टाइम मैनेज करके आप 50 क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। 50-60 आराम से एवरेज अगर आप अटेम्प्शन करते हैं सो आपके लिए सही है, ठीक है। बाकी बात करते हैं हम लोग जीएटी के बारे में। सो जीएटी का जो पेपर था वो इंग्लिश का तो लेवल हमेशा से ही मॉडरेट रहता है, मॉडरेट इजी के बीच में रहता है, ठीक है। साइंस का पोर्शन भी इजी रहता है, जनरली वो कर लेते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स, और जनरली इजी रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फैक्ट वाले। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की बात करूँ तो हमेशा ही हार्ड आती है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आ रखे थे हिस्ट्री के, क्वेश्चन काफ़ी अंदर से आ रखे थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट थे तो उनको करना ज़्यादा मुश्किल था। करंट अफेयर नॉर्मल आ रखी थी, जो भी करंट अफेयर्स थी 6 मंथ्स की उसके हिसाब से आ रखी थी, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन साइंस में ईजियर पार्ट पे थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक है। बट हिस्ट्री जो पॉलिटी का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड था और थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। उसके बाद अगर साइंस की बात इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश नॉर्मल लेवल पे ही आ रखी थी, ठीक है। सो ये था ओवरऑल जीएटी का। तो जीएटी को हम लोग मॉडरेट टू ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ईजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल में ही था उसका भी, ठीक है। जैसा जीएटी आता है वैसा ही था, ठीक है। ज़्यादा आसान भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। बट मैथ्स के बारे में बात करें, मैथ्स मिड से हार्ड के बीच में था, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है मैथ्स में, बट जीएटी इजीली हो जाने वाला था, ठीक है। सो जीएटी में आप मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अपने जो ओवरऑल कट ऑफ है उसके लिए ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते थे, ठीक है। मैथ्स में अगर आप सेक्शनल भी क्लियर करते हो 80-90 मार्क्स भी आते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ क्लियर होने से मतलब है आपको। जीएटी आपके मार्क्स इंप्रूव करेगी, अगर आपने जीएटी में अच्छा किया है तो आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी सेक्शनल की बात करते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ सेम ही रहने वाली है, मैथ्स की 75 रहती है और जीएटी का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेक्शनल से, ठीक है। मैथ्स की आपकी 75 ही रहने वाली है अराउंड, ठीक है। 75 से अगर आपके ज़्यादा आते हैं, 75 आते हैं तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती है, ठीक है। अगर उससे कम आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है, 70-80 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इतना डिफ्लेक्शन आ जाता है, बट 75 ही रहने वाली है इस बार भी कट ऑफ, जो सेक्शनल कट ऑफ है मैथ्स की वही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं, सो ओवरऑल कट ऑफ पेपर का लेवल पिछले पेपर जैसा ही है, ठीक है। मैथ्स ऑन थोड़ा हार्डर साइड एंड गैट जो है वो नॉर्मल मॉडरेट साइड में, तो कट ऑफ को हम लोग 350-370 के अराउंड ही रखेंगे, 365, ठीक है। 355-365 ऐसे ही रहने वाली है कट ऑफ, जनरली 355 मेरे हिसाब से रहेगी, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी इसी अराउंड थी, 355 अराउंड थी, तो पेपर लेवल इस ऐसा ही आया था पिछली बार भी, तो इस बार भी 355 अराउंड ही रहने वाली है। सो अगर आपके 360 हैं और उससे अबव है मार्क्स तो आप मतलब हो सकता है कि आप का क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर 360 अबव है तो श्योर है कि आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, और आप SSB की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो आपका डाउटफुल है तो आप रिटर्न की भी तैयारी रखो अपने अच्छे से और SSB का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। सो जिनका अभी क्लियर नहीं हो रहा है, जिनके 350 से भी कम है, 350-345 ऐसे हैं, उनको अगले पेपर की तैयारी कर देनी चाहिए।
सो कुछ लोगों को डाउट होगा कि अभी आंसर की मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए। सो आंसर की आपको मिला लेनी चाहिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे के एक्शंस प्लान कर पाओगे। ठीक है, अगर आपका पेपर क्लियर हो रहा है तो आप आगे SSB के लिए आप प्रिपरेशन कर पाओगे, अपनी कोचिंग के लिए देख पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको आगे जाके टाइम नहीं मिलने वाला है SSB के लिए, तो वो कोचिंग जा सकते हैं अगर उनका क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी कोचिंग के लिए मैं एडवाइस तो नहीं करूँगा, जाना ही जाना है श्योरली, बट आप जा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो। ठीक है, इस पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि अभी एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं, आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटर्न वालों की जिनका नहीं हो पा रहा है क्लियर, तो अपना दिमाग शांत रखो, अभी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। ठीक है, और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उन पर ध्यान दो। ठीक है, जो आपको लगता है कि इस बार आप नहीं कर पाए कवर, उन चैप्टर्स को आप पकड़ो और उन चैप्टर्स को कवर करो। ठीक है, ताकि अगले चैप्टर में, अगला जो पेपर होता है उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए और आपकी आराम से कट ऑफ क्लियर हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके वीक पॉइंट्स है उस पर काम करना है, जिन लोगों का रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा है। और मैं वीडियोस देके आऊँगा स्ट्रैटेजी की, जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि उन्हें बोथ बोर्ड्स भी कवर करना है और हमारा NDA भी कवर करना है, तो उनके लिए वीडियो लाऊँगा कि कैसे वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि SSB के लिए क्या आपको एक्शन लेने चाहिए, तो SSB के लिए अभी आपको बेसिक चीज़ें करनी चाहिए, लाइक इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सब चीज़ों पर अगर आप वर्क करते हैं अभी इनिशियल पीरियड में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका रिटर्न क्लियर होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप अभी से इंग्लिश, अपनी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे वर्क करते हैं। ठीक है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और आपके SSB में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आप श्योर हैं, आपके 400 अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो आप SSB की इस कोचिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रहा हूँ जनरली, क्योंकि उनके बाद में एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी में बोर्ड के, तो उनको बाद में जाके टाइम नहीं मिलेगा और उनकी SSB उसी अराउंड होगी, मार्च के अराउंड ही होगी उनकी SSB, तो उनको अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर देना चाहिए। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जिनका रिटर्न क्लियर हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप SSB की तैयारी शुरू कर दो। जिनका नहीं हो रहा, डोंट गेट डिसहार्टेंड, आगे और आपके अटेम्प्ट अगर नहीं भी हैं तो आप CDS की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते रहिए पर, और जिनके अटेम्प्ट बाकी हैं उनको आगे अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए उनको, और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उन पर काम करना चाहिए, जो वीक पॉइंट्स हैं जो नहीं कर पाए इस बार उन चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए, बाद में आगे जाके रिवीजन करना चाहिए जो आपने अच्छे से कर रखा है। ठीक है, सो ये सब चीज़ आपको करनी चाहिए, निराश नहीं होना। जिनका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ और जिनका हो रखा है उनको SSB की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू। ठीक है, सो दिस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कट ऑफ से कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन से डाउट है या फिर कोई एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, लाइक रिटर्न पे और कैसे आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अपने 11th क्लास, 12th क्लास, इन पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते, जो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं या फिर अपने सजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आई सी दैट एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो अपॉन दैट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद।